गोलघर के बलदेव प्लाजा में रोस्टर तोड़कर दुकान खोलने की शिकायत पर ग्राहक बनकर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मोबाइल की दुकान को सील कर दिया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना में जिला प्रशासन के द्वारा दुकानों के लिए रोस्टर बनाया गया है। सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग रोस्टर के खिलाफ जाकर दुकान खोलकर मोबाइल बेच रहे हैं, जिसका निरीक्षण किया गया और देखा गया कि कुछ दुकानदार अपने एजेंट को नीचे बैठाए हुए थे और ग्राहकों से बात करके दुकान खोलकर मोबाइल दे रहे हैं। उसी को देखते हुए मोबाइल की दुकान श्री कृष्णा कम्युनिकेशन पर छापेमारी की गई और दुकान को खुला पाया गया, जिसका मौके पर ही दुकान को सील करके वैधानिक कार्रवाई की गई और सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई कि कोई भी रोस्टर तोड़कर दुकान खोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए ये शिकायत मिल रही थी कि बलदेव प्लाजा में रोस्टर के मुताबिक दुकान नहीं खोली जा रही कुछ दुकानदारों द्वारा, तो उसी क्रम में आज औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने पे यह पाया गया कि हाँ मोबाइल के कुछ दुकानदार थे जो कि अपने कुछ एजेंटों को नीचे बैठाए हुए थे, एजेंट्स उनके नीचे बैठे थे, वो ग्राहकों से बात करते थे, उसके बाद जब मोबाइल सेट फाइनल हो जाता था तो वो अपनी दुकान खोल के उसको दे देते थे। तो यह सरेआम उल्लंघन है जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई उसका, तो उसी क्रम में एक दुकान में छापा मारा गया और ये पाया गया कि हाँ वो रोस्टर के व्यक्ति दुकान खुला हुआ था, तो उस दुकान पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उस दुकान को सील कर दी गई और आगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।